Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss chapter 13, Natural Resources. So, topic of this chapter are natural resources, air, water, plants, animals, soils, and fuels. Next, conservation of natural resources. Now we read chapter 13, Natural Resources. Earth is the only known planet with air and वॉटर विच मीन्स एक अर्थ ही ऐसा प्लानट है जिस पर एयर और वॉटर है देयर फोर इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड हैज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन इट्स सो जो अर्थ प्लानट है उस पर लाइफ है और प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं द अर्थ आल्सो है वेरस मिनरल्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक डीप इन साइड विच मीन्स जो अर्थ हैं उसमें वेरियस मिनरल्स हैं लाइक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑल दिस टूगैदर मेकअप द नेचुर वेल्थ और रिसोर्स ऑफ द अर्थ तो जो ये इसके मिनरल्स हैं प्लांट्स एनिमल्स हैं ये सब कुछ मिलाकर क्या बना रहे हैं नेचुर वेल्थ और नेचुर रिसोर्सिस दैचुर रिसोर्स इज समथिंग दैट नेचर गिवस आस टू यूज तो नेचुर रिसोर्स क्या है नेचुर रिसोर्सिस जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करती है दे आर नैचुरली अक्रिंग सबस्टांसिज दैट आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल तो ये नेचुरली अक्रिंग सब्सटांसिज हैं जो कि वैल्यूएबल हैं नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सिज फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्स सेकेंड इज नॉन रिनूएबल रिसोर्स सो रिन्यूएबल रिसोर्स सम नेचुरल रिसोर्स कैन बी रीन्यूड और रिस्टोर्ड दीज आर कॉल्ड रिनुएबल रिसोर्स एग्जाम्पल एयर वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा तो कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिन्हें रिन्यूट कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं वो हैं रिन्यूएबल रिसोर्स इनके एग्जाम्पल हैं एयर वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जैसे अब एयर और वाटर है ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में नहीं है तो हम इन्हें रिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स समचुरल रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लानिश द अर्थ कंटेन्स ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिज रिसोर्सिस दे आर कोल्ड नॉन रेनबल रिसोर्सिस एग्जाम्पल मिनरल्स कॉयल पेट्रोलियम एट्सेट्रा तो कुछ ऐसे रिसोर्सिस हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में हैं तो उन्हें हम रिप्लानिश नहीं कर सकते उन्हें हम कहेंगे नॉन रेनबल रिसोर्स जैसे मिनरल्स कॉयल पेट्रोलियम यानि कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो इन्हें दोबारा से लेकर आना बहुत ही मुश्किल है अब यहाँ पर रिवर फॉरेस्ट ये क्या है नेचर रिसोर्स है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉयल गैस लैंड सोइल ये पिक्चर शो की गई हैं ये क्या है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स लेट्स नो मोर अबाउट दिस इंपॉटेंट रिसोर्स तो अब हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज़ एयर द एटमोसफियर प्रोवाइडस विद ऑक्सीजन दैट वी नीड फॉर लाइफ तो एटमोसफेयर हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है जो कि हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है इट आल्सो प्रोवाइडर्स विद अदर यूजफुल गैसेस तो ये हमें अदर यूजफुल गैसेस भी प्रोवाइड करता है मूविंग एयर और प्रोवाइड प्रोवाइडर्स विद अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी यूज़ एयर इन मैनी वीज। तो जो ये मूविंग एयर विंड है ये भी हमें फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वी यूज़ एयर इन मैनी वेज तो हम एयर को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं नाव डज़ वी आर पोल्यूटिंग द एयर विथ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज और फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स तो आज कल जो हम पॉइजनस गैसेज और स्मोक से यानी कि जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स की पॉइजनस गैसेज हैं और स्मोक है उससे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं उसे प्रदूषित कर रहे हैं इफ़ ये कंटिन्यू पॉल्यूटिंग एयर विथ फ्यूम्स फ्राम कार्स एंड बसेस एंड स्मोक फ्राम फैक्ट्रीज सोन वी विल गेट नो फ्रेश एयर टू ब्रीथ अगर हम कंटिन्यूसली जो एयर है उसे पोल्यूट करते रहेंगे कार और बसेस के फ्यूम से फैक्ट्रीज़ के स्मोक से तो जल्दी ही हमें फ्रेश एयर ब्रीथ करने के लिए नहीं मिल पाएगी वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाई कैटिंग पॉल्यूशन चेक को फार व्हीकल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस तो हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं जो हमारे व्हीकल हैं हम उन्हें रेगुलरली पोल्यूशन चेक कराएं अगर हम तभी हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉटर अब हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे वी ऑल नीड वाटर टू लिव अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वी नीड इट फॉर कुकिंग क्लीनिंग वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स तो ड्रिंकिंग के अलावा हमें कुकिंग क्लीनिंग वॉशिंग और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर्स के रिक्वायरमेंट है वाटर प्रोवाइड्स अ होम फॉर फिश एंड अदर इक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो वाटर है वो फिश और इक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है होम प्रोवाइड करता है यानी कि जो फिश हैं वो पानी में ही रहते हैं जो इक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट हैं वो पानी के बगैर नहीं रह सकते यानी कि उसके लिए उनके लिए वाटर्स बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं सो so, वाटर के हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो हम वाटर के बिना लिव नहीं कर सकते यानी कि हमारे लिविंग के लिए हमें ड्रिंकिंग कुकिंग क्लीनिंग, वॉशिंग ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए वाटर के रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर पिक्चर्स में भी शो किए गए हैं यूजेज ऑफ वाटर नाउ एज देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी नीड टू सेव आर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ट्स तो जैसे कि हमें पता ही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर की शोटेज यानी कि वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी है तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए जो वाटर बॉडीज़ हैं रिवर्स लेक्स और पॉइंट्स हैं इन्हें हमें सेव करने की रिक्वायरमेंट है आलवेज़ क्लोज द टैप वैन यू डू नॉट नीड वोटर तो अगर आपको वोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको टैप क्लोज कर देनी चाहिए तो इस तरह से हम वोटर को सेव कर सकते हैं So today we have discussed some topic of chapter 13 natural resources so we have discussed about natural resources air and water so we will continue this chapter in next lecture thank you